सर्दियों के मौसम में हर वर्ष की तरह इस बार भी छोटी काशी मंडी में विदेशी परिंदों ने दस्तक दे दी है। मंडी व्यास नदी सहित अन्य जलाशयों में भी कुछ विदेशी परिंदे पहुंच चुके हैं, जो जलाशयों में अटखेलियां करते हुए देखे जा सकते हैं। इस बार विदेशी पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश की तरफ प्रस्थान एक माह देरी से किया है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में बारिश व ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी न होना माना जा रहा है। बहरहाल वन विभाग ने विदेशी पक्षियों की सुरक्षा कड़ी कर दी है, जिसके लिए विभाग ने जलाशयों के लिए टीमें गठित की हैं जो निर्मित विदेशी पक्षियों की सुरक्षा पर पूरी नज़र रखेंगी। पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां सर्दियों के मौसम में साइबेरिया, चीन, तिब्बत, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस आदि जगहों से एक लंबा सफ़र तय करके हिमाचल की ऊंची चोटियों के ऊपर से उड़कर भारत में आते हैं। ये दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी हैं। ये करीब 27 से 29,000 फीट तक की ऊँचाई पर उड़कर भारत में पहुँचते हैं। जब इसके गृह क्षेत्र में ठंड बढ़ती है और बर्फबारी शुरू होती है तो ठीक उसी समय यह दक्षिण एशिया की तरफ प्रवास आरंभ करते हैं। वहीं बर्ड फ्लू सहित अन्य बीमारियों से बचाव के लिए वन विभाग व पशुपालन विभाग पूरी एहतियात बरता हुआ है। जैसे कि अब जो है विंटर माइग्रेटरी सीजन जो है माइग्रेटरी बर्ड्स का स्टार्ट हो गया है। ये जो है विदेशी परिंदे जो है भारत में आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, क्योंकि रशिया, साइबेरिया जहाँ से ये आते हैं वहाँ पे इस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ठंड से बचने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं, और ये ज़्यादातर वाटर बर्ड्स होते हैं, तो वाटर बॉडीज़ के आसपास पाए जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे मंडी ज़िले में भी हमारे ब्यास नदी के कैचमेंट एरिया में काफ़ी वाटर बर्ड्स आए हैं और हर साल ही आते हैं। इस बार जो है 12 स्पीसीज़ के अराउंड जो है हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिनमें से कॉमन पोचार्ड, लिटिल कॉर्मोरेंट, ग्रेटर कॉर्मोरेंट, रूडी शेल डक और आपका साइबेरियन स्टोन चैट, ये कॉमन स्पीसीज़ जो है हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। साथ ही साथ क्योंकि कई बार जो है इनके शिकार का भी हमें कई बार किस्से सुनने को मिलते हैं, तो हमने अपने डिवीज़न में एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बना दी है, जो कि मंडी में जो नदी के आसपास का एरिया है, ब्यास के आसपास का एरिया है, वहाँ पे रेगुलर गश्त करेगी, और अगर कोई भी ऐसा केस आता है तो वो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। साथ ही साथ मेरी लोगों से भी अपील है कि ये जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये यहाँ पे आते हैं, 2 महीने के लिए यहाँ पे रहते हैं। तो मैं चाहूँगा लोगों से कि लोग भी इसका प्रोटेक्शन कंजर्वेशन करें, और उन्हें भी अगर किसी भी तरह का कोई केस लगता है तो वो हमें इन्फॉर्म करें इसके बारे में। व्यास नदी में 3 नए विदेशी पक्षियों ने दस्तक दी थी। नए विदेशी पक्षियों में वॉर हेडेड गुज, ग्रेलेग और नॉर्थन लैपिंग शामिल थे, लेकिन इस बार अभी तक नए विदेशी परिंदों ने दस्तक नहीं दी है। हिमाचल प्रदेश सहित मंडी में स्थानीय और विदेशी प्रजातियों के पंछियों और अन्य जानवरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देवभूमि पर्यावरण संरक्षण मंच ने आवाज़ उठाई है। और हमने जो देवभूमि पर्यावरण रक्षक मंच है वहाँ से भी हमने अपील निकाली ही नहीं है, बल्कि जो सदस्य हमारे हैं उनको भी हमने हिदायत दी है कि अपने अपने एरिया का जो है ध्यान रखें, क्योंकि ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमारे विदेशी कुछ पक्षी हैं जो आते हैं यहाँ, जो हमारी झीलें हैं, नदी है, नाले हैं, तो उनकी रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। ये नहीं है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ शिकारी, खास करें जो आपके प्रवासी लोग आए हुए हैं, तो ये इनका अपना एक ढंग होता है और ये कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुझे भी 2-4 बार इनके पीछे भागी हुए तो हमने रोक दिए वो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको समझाया भी, लेकिन फिर भी वैसे पहले जो होता है ज़्यादा शिकार होता है, लेकिन अब थोड़ा सा फर्क ज़रूर पड़ा हुआ है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, वो भी अलर्ट हैं, और लोग भी मतलब इसमें हमने अलर्ट किया है, चाहे मीडिया के माध्यम से या वैसे हम बातचीत चलती है तो वहाँ बोलते हैं कि इनको बचाना है, क्योंकि 3-4 बार हमने भी घायल अवस्था में कुछ पक्षी पाए गए थे, तो हमने वाइल्ड लाइफ को फ़ोन किया और उन्होंने उनका उपचार कराया और छोड़ दिया,
तो हो सकता है वो किसी ने उनको चोट पहुंचाई हो, या कई बार अपने आप भी ये मतलब कई कारण होते हैं जिसमें जख्मी हो जाते हैं। तो मेरे लोगों से अपील है कि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ मसला है, चाहे वो देसी जो चाहे हमारे लोकल पक्षी हैं, चाहे वो विदेशों से आए हुए हैं, क्योंकि लोकली भी हमारे बड़े भारी पक्षी हैं यहाँ। जैसे मतलब हमारा ये आपके जंगली मुर्गे हैं या दूसरे ये ऐसे पक्षी हैं जो कि जिनकी संख्या भी कम हो रही है, और ये जो है ये सभी कुछ बचाना पड़ेगा हमें।